आपको भी पीरियड्स में काफी ज्यादा पेन होता है? तो माय डियर फ्रेंड, आप अकेली नहीं हैं। दुनिया में ऐसी लाखों महिलाएं हैं जो पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन फील करती हैं। लेकिन जब पेन हद से ज्यादा होने लगे तो ये आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। आज सेहत की बात में हम यही जानेंगे कि आखिर पीरियड्स में पेन क्यों होता है और इसे कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पीरियड्स होते क्या है। देखिए, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर महीने महिलाओं के साथ होता है। बेसिकली पीरियड्स में ब्लड का फ्लो होता है और इसके अलावा पीरियड्स जो है यूजुअली एवरेज तौर पर 3 से 7 दिनों तक टिक सकता है। इसके साथ ही पीरियड्स में ओवरीज में बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है जिस वजह से पेन होता है। इसके साथ ही हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं शरीर में, इस वजह से भी पेन होता है। कई बार हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तो इसके कारण भी हमारे जो पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। कई महिलाएं कुछ डिजीज से गुजर रही होती हैं, मोस्टली जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उससे, तो इसकी वजह से भी उन्हें काफी ज्यादा पीरियड्स पेन का सामना करना पड़ सकता है। आप जानते हैं कि पीरियड्स के टाइम पर जो पेन होता है उसके सिम्टम्स कैसे देख सकते हैं? देखिए, मोस्टली पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है वो पेट में और कमर में काफी ज्यादा होता है और ये सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पैरों में भी दर्द हो सकता है। हालांकि कुछ महिलाओं को अनईजी फील होता है, उल्टी जैसा मन करने लगता है या फिर कई बार उल्टी भी हो जाती है, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम ही है। और कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वजाइना के ऊपर वाले पार्ट में पेल्विस एरिया में काफी ज्यादा पेन होता है जिस वजह से उन्हें पीरियड्स में दर्द बर्दाश्त कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अब ये समझते हैं कि पीरियड्स में पेन से छुटकारे के लिए आप क्या कर सकते हैं। जो सबसे कॉमन और इफेक्टिव तरीका है वो है गर्म पानी। आप चाहें तो गर्म पानी की बोतल या फिर हीटिंग पैड अपने पेट या कमर पर रख सकते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। इसके अलावा आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज और हल्के फुल्के योगा कर सकते हैं जिससे आपके कमर और पेट के दर्द में राहत मिलेगी। बहुत सारे ऐसे योगा आसन आते हैं जो पीरियड्स में अगर आप करेंगे तो इससे आपको दर्द से राहत मिलेगा। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में आयरन और कैल्शियम युक्त जो फूड्स है उसको शामिल करना है। इससे आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी और पीरियड्स पेन भी अच्छे से होगा। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिव रहते हैं, तो ब्लड फ्लो भी अच्छे से होता है और पीरियड्स का पेन बहुत हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करके आप कुछ पेन किलर्स खा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको बहुत ही ज्यादा पीरियड्स में पेन हो रहा है, बुखार लग रहा है और दर्द कम ही नहीं हो रहा है 2-3 दिन के बाद भी, तो ये कुछ गंभीर बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं। यूजुअली PCOS और PCOD में ऐसा देखने को मिलता है, तो प्लीज इसे लेकर आप अपने गायनाक के पास जाए, डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बेटर मेडिकेशन और अच्छी एडवाइस देंगे और बताएंगे कि पीरियड्स में पेन होने के पीछे क्या रीजन है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Life को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।